أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ये सूरह मुमिनून की 10 आयतें थी। शुरू की, इसका नाम ही मुमिनून है, यानी अहले ईमान। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफात और उनके अखलाक बयान फरमाए और उन पर कामयाबी की खबर दी है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह की खबर और अल्लाह की बात से सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो अगर हमारे अंदर ये सिफात हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी यकीनी है। लिहाजा हमें कामयाबी हासिल करने के लिए इन सिफात से मुत्तसिफ होना चाहिए। हर शख्स कामयाब होना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, लेकिन लोग सक्सेस होने के पैमाने और उसके शराइत अलग अलग मुकर्रर करते हैं। लेकिन खालिक इंसान, जो कि इंसान के आगाज़ को और अंजाम को जानता है, उसने कामयाबी इन सिफात पर बताई है। लिहाजा हकीकी कामयाबी यही है। फरमाया क़द अफ़्लहल मुमिनून, वह मोमिन कामयाब हो गए यकीनन, बिला शक व शुबा। क़द बग़ैर शक व शुबा, वो मोमिन कामयाब हो गए जिनके अंदर ये बातें। इसमें कई तरीके से ताक़ीद है। एक तो क़द लगाकर ताक़ीद की गई अरबी के कायदे के लिहाज से। फिर पास्ट टेंस, कामयाब हो गए। ये नहीं कहा कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो गए। पास्ट में जो चीज़ हो जाती है वो यकीनी है, क्योंकि हो चुकी है वो। तो जो चीज़ हो चुकी है वो तो यकीन हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हो गए, मतलब इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, वो हो गए कामयाब। तो पहली बात तो अल-मुमिनून, मोमिन होना शर्त है। पहली सिफत तो हुई मुमिनून, मोमिन होने की, यानी दिल उनका ईमान से लबरेज हो, अल्लाह पर यकीन हो, अल्लाह के वादों पर यकीन हो, उसके रसूलों पर यकीन हो, आखिरत के दिन पर यकीन हो। तो ये ईमानी कैफियत नंबर 1 है। शर्त अव्वलीन है कामयाबी के लिए ईमान का होना। 3 चीज़ें जिसके अंदर हैं, उसने ईमान का जायका चख लिया कि अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज़्यादा महबूब हो, और किसी से मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए हो, और कुफ्र में लौटना इंतहाई नापसंद हो कि आग में गिर जाने को वो कबूल कर सकता है लेकिन कुफ्र में लौटने को कबूल नहीं कर सकता। तो ईमानी कैफियत इसका नाम है। तो पहली बात तो ये फरमाई कि अहले ईमान कामयाब हो गए। अल्लज़ीन हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। फिर ईमान के बाद दूसरी बात जो फरमाई कि वह मोमिन जो कि अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, नमाजों में खुशू खुजू की कैफियत पैदा करते हैं। तो पहली सिफत ईमान के बाद, नंबर एक ईमान, नंबर दो नमाज के अंदर खुशू व खुजू। खुशू इसका नाम है दिल में खौफ हो, सुकून व इत्मीनान की कैफियत हो, अल्लाह का ध्यान नसीब हो, पूरे तौर पर दिल से वो मुतवज्जह हो अपनी नमाज के अंदर, और इस बात का यकीन रखे कि मलिकुल मुलूक के सामने यानी बादशाहों के बादशाह के सामने हम खड़े हैं, वो मेरी तरफ मुतवज्जे हैं। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, जो फरमाया गया है कि ऐसे इबादत करो गोया कि अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहु, तुम अल्लाह को अगर नहीं देख रहे तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। तो कम से कम ये बात तो होना ही चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमें नमाज में पुरसुकून रहना चाहिए। तो असल तो खुशू दिल की कैफियत का नाम है, जो पूरा नमाज में ध्यान होता है और अल्लाह से लो होती है उसका नाम है, लेकिन वो दिल की कैफियत पूरे जिस्म पर तारी होती है। सर झुका हुआ होगा, आज़ाओ जवारे से खौफ टपक रहा होगा, ये नहीं कि वो दाढ़ी से खेल रहा है, कपड़ों को समेट रहा है, कपड़े गंदे ना हो जाए इसका ख्याल कर रहा है, प्रेस ना टूट जाए इसका ख्याल कर रहा है, मक्खी मच्छर को भगा रहा है, बार बार भुजाल चल रही है उसी में लगा हुआ है। तो ये कैफियत है, तो इसका मतलब दिल खुशू से खाली है, वरना तो अगर दिल में खुशू होता तो ये सारी हरकतें नहीं होती। तो पहली सिफत है ये नमाज के अंदर खुशू। हम लोग तो यही नाकाम हो गए, यही तो सबसे मुश्किल चीज है नमाज का खुशू व खुजू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठा ली जाएगी वो खुशू है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी जामे मस्जिद है और उसमें एक आदमी भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला नहीं। तो ये ज़माना तो ये चल रहा है, वो सबसे पहले जो चीज़ उठाई जाएगी वो खुशू है। कितनी चीज़ें उठ गई हैं, खुशू तो पता नहीं कब से उठ गया। तो हमें इसका मतलब ये नहीं है कि अब आएगा ही नहीं, मतलब आवाम से उठ जाएगा, लेकिन जो कोशिश करेगा उसको मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ये सिफत उसको मिल जाएगी, बस हासिल हो जाएगा। कामयाबी के लिए तो शर्त है, जब तक ये चीज़ नहीं होगी तो कामयाबी की शर्त अव्वली नहीं पाई जाएगी। ईमान के बाद पहली शर्त करार दी अल्लाह तबारक व तआला ने कि नमाज में खुशू खुजू हो। हम लोगों को तो सहो बहुत होता है, यानी भूल चूक बहुत होती है, अल्लाह ताला माफ़ करे, और फिर जानबूझकर हम ख्याल लाते हैं, वो नमाज ही में हम सारे ख्यालात लाते हैं, सारी चीज़ें नमाज में याद आ जाती हैं, वो चीज़ कहाँ रखी है, वो प्रोग्राम कैसे बनाना है, वो सब नमाज में आ जाते हैं। तो ये हमारा नमाज का हाल है। तो अब कामयाबी फिर कैसे हासिल होगी। दूसरी बात अल्लाह ताला ने फरमाई वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, के वो लहू कामों से एराज करते हैं। ये नमाज के खुशू के बाद ये चीज़ आई, मतलब नमाज में अगर सही कैफियत पैदा हो जाए, नमाज सही बन जाए, तो फिर आदमी की ज़िंदगी से लहू चीज़ें ज़ाया हो जाए, लहू चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, पाक हो जाती है उसकी ज़िंदगी लहवियात से। लहू किसको कहते हैं? लायानी चीज़ें, फालतू की चीज़ें। हम लोगों की ज़िंदगी में सब फालतू है, जो असल मकसद है वो तो फौत हो गया, सारी चीज़ें बेकार आ गई हमारी ज़िंदगी के अंदर। अब देखिए मोबाइल में कितना हमारा वक्त ज़ाया होता है, गपशप में कितना वक्त ज़ाया होता है, अपने घर को सजाने में कितना वक्त ज़ाया होता है, और रस्म व रवाज की पाबंदी में हम लोग कितना अपने आप को खपाते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। सब लग़वियात है, उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला है, सिर्फ लग़वियात के अलावा कुछ नहीं है। वो इसीलिए है कि हम नमाज के खुशू से खाली हैं, तो ये चीज़ भी हमारे अंदर नहीं है। पूरी ज़िंदगी लग़व से पाक है। वो मोमिन होता है तो लग़व से पाक हो जाता है। हदीस शरीफ में फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्ए तरकुहु मा ला यानी, आदमी के इस्लाम के कमाल की दलील है, उसके ईमान के आला दर्जे की दलील है कि लायानी चीज़ों को छोड़ दे। उसको लायानी चीज़ों की फुर्सत कहाँ है, इतने आला मकासिद उसके सामने होते हैं, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह ताला ने जो काम दिया है उस काम में लगे रहना, उस मिशन को अपना मिशन बनाना, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, इसीलिए जीना, इसीलिए मरना। जो कुरान में फरमाया गया है कि कहो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी इबादत और कुर्बानी और मेरा जीना और मरना सब अल्लाह के लिए है। तो ये मकसद है। तो लघु चीज़ों से उसको कहाँ फुर्सत होगी, तो लघु से वो आरी रहते। अगर आप देखें आप तो देखिए कि इस बात में फ़ायदा है कि नहीं, तो जो हम बात कर रहे हैं फ़ायदा नहीं है छोड़ दीजिए। इमाम नववी ने कहा अगर शक हो रहा है तब भी छोड़ दीजिए, फ़ायदा है कि नहीं, फ़ायदे का यकीन हो तब बात कीजिए। कोई भी काम इसमें फ़ायदा है कि नहीं, दुनिया और आखिरत का, अल्लाह ताला की रज़ा मिलेगी, तो आपकी ज़िंदगी से कई चीज़ें हट जाएंगी। बिल्कुल बेकार चीज़ें हैं जो हम खूबसूरत चीज़ों में पड़े रहते हैं और नई से नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ में लघु हो सकता है वो, तो हमारी चीज़ में बहुत लघु है, उसको अगर हम छांटेंगे ना तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ज़िंदगी एक हल्की हो जाएगी, अल्लाह की रज़ा वाली हो जाएगी। तो लघु से वो एराज करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और ज़कात को अदा करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं। ज़कात का वही मतलब है माल की ज़कात, और कुछ उलमा ने इसमें वो भी शामिल किया है यानी नफ्स को पाकीज़ा करते हैं। ज़कात के मायने पाक करने के, तो माल ज़कात निकालने से पाक होता है। तो मोमिन की नमाज के साथ साथ ये सिफत भी है, और अपने नफ्स को संवारना उसके साथ है। जब ज़कात निकालेगा तो नफ्स माल की मोहब्बत से खाली होगा, अच्छे अखलाक से मुत्तसिफ होगा। तो ये ईमान पहली शर्त, नमाज का खुशू दूसरी हो गई, लघविया से एराज तीसरी सिफत हो गई, ज़कात की अदायगी चौथी सिफत हो गई। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, अपनी हया और इफ़्फ़त की हिफाजत करते हैं, बेहयाई के काम के करीब भी नहीं जाते। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिर्फ अपनी बीवियों से वो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। औमा मलकत ऐमानुहुम, या पहले जब कुरान नाजिल हो रहा था तब बानियों का रवाज भी था, या जो बानियाँ हैं। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसमें उनको कोई मलामत भी नहीं की जाएगी कि ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ रखना, और ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, और अल्लाह ताला ने बीवियाँ बनाई हैं, और एक नहीं बल्कि चार की इजाज़त दी अल्लाह ताला ने। तो जायज़ को हर चीज़ इंसान की जो भी ज़रूरी याद है अल्लाह ताला ने उसका हलाल महल भी रख दिया है। अब आदमी हलाल को छोड़कर हराम को जाता है तो ये उसकी अपनी कम अकली की बात है, हमाकत की बात है। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका, जो इससे आगे बढ़ता है, जो अल्लाह ताला ने हलाल महल बनाया उसे, औलाइका हुमुल आदून, तो वो ज़ालिम है, वो हद से तजावुज़ करने वाले हैं, वो हद को फलांगने वाले। आगे दूसरी सिफत बयान फरमाई, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, वो अपनी अमानतों का ख्याल करते हैं और अपने वादों का ख्याल करते हैं। अमानत भी बहुत वसी लफ्ज़ है, जिसमें आप पर भरोसा किया जा रहा है वो अमानत है। कोई चीज़ सौंपी जा रही है आप उसको वैसे ही अदा करते हैं, कोई ओहदा दिया जा रहा है आप उस ओहदे को पूरा करें, कोई राज बताया जा रहा है उस राज की हिफाजत करें, कोई मशवरा किया जा रहा है आपसे आप सही मशवरा दें। ये सब चीज़ें अमानत में आती हैं। सिर्फ अमानत ये नहीं है 100 रुपये आपको दिए तो आपने वो 100 रुपये वैसे के वैसे ही दे दिए, सिर्फ ये नहीं है, ये तो है ही सही, लेकिन जो अमानत का दायरा वसी है कि जो आपसे तवक्को है और जो काम आपको दिया गया है और आपको उसके काबिल समझा गया है फिर वो काम आप पूरा सही तौर पर करें, ये अमानतदारी है। मुलाजमत सही करें, आप नापतोल सही रखें और कर्ज को पूरा अदा कर दें। तो किसी को मशवरा मांग रहा है तो उसको सही मशवरा दें, राज फाश ना करें किसी के, तो ये अमानत है। मोमिन अपनी अमानतों का ख्याल करता है, और वादों का, जो मुआहदे हो जाते हैं किसी से कि तुम ऐसा करो और मैं ऐसा कर लेता हूँ, हम दोनों मिलके ये काम कर लेते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, तुम वहां आ जाना मैं इतनी बजे आ जाऊंगा तुम भी इतनी बजे आ जाना। तो छोटे वादे हो या बड़े वादे हो, जितना भी लेवल आप पूछा कीजिए, तो मुआहिदों की रियायत ये भी मोमिन की शान है, मोमिन का अहम वस्फ है। ये भी हमारी जिंदगी से खाली है, कोई हमारी बात का कोई एतबार ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, बात का हमें याद ही नहीं रहता है। फिर उसमें कह दिया जाता है भूल चूक तो माफ है, भूल चूक माफ है लेकिन गफलत का नतीजा है कि हमने उसकी केयर नहीं की, हमने उसको अपने दिल पर नहीं लिया, अपने जहन पर नहीं लिया, तो इसीलिए भूल गए हो। तो सही बात तो यह है कि भूल जाना भी इंसान की गलती है, क्यों? क्योंकि अगर उसको सही तरीके से वो जहन पर सवार करता तो भूलता नहीं। तो अमानत को और वादे को अदा करते हैं। और आगे फरमाया वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। इब्तिदा हुई थी नमाज को खुशू से पढ़ते हैं, इंतहा हो रही नमाज की हिफाजत करते हैं। एक आदमी कहता है साहब मैं तो जुमे ही की पढ़ता हूँ लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ, तो ठीक है खुशू तो आ गया है लेकिन बाकी तो सब गोल कर दी, ज़ाया कर दी। तो दो बातें हैं कि पूरी पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं एक ही पढ़ता हूँ साहब लेकिन ढंग से पढ़ता हूँ, कुछ लोग के सब पढ़ता हूँ लेकिन यार खुशू नहीं है। दोनों गलत है, सारी नमाजें पढ़ना है, कोई छूट ना जाए, चाहे सफर में रहे चाहे हजर में रहे, बीमार हो या तंदुरुस्त हो, और गरीब हो या अमीर हो, टेंशन में हो या फ्री फुर्सत में हो, और फारिगुल बाल हो, इत्मीनान में हो, कैसी कैफियत में हो, अपनी नमाज को किसी भी हाल में ज़ाया नहीं कर देते। नींद को कुर्बान कर देंगे उसके लिए, नमाज को ज़ाया नहीं करते, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। उलाइका हुमुल वारिसून। तो ये कितनी सिफात हुई? नंबर एक ईमान, नंबर दो नमाज के अंदर खुशू, नंबर तीन लहू से एहरास, नंबर चार ज़कात, नंबर पाँच शर्मगाह की हिफाजत, नंबर छः अमानतदारी की अमानतदारी और अमानतों का लिहाज, नंबर सात अहद का पासो लिहाज, और नंबर आठ नमाज की हिफाजत। नमाज की हिफाजत, हिफाजत का मतलब कोई नमाज न छूटे। तो ये वारिस हैं अल्लज़ीन यरिसूनल फिरदौस, जो कि फिरदौस के यानी फिरदौस आला जन्नत है, सबसे आला क्वालिटी की, उसके वारिस होंगे जिनके अंदर ये सिफात पाई जाएंगी। हम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन सिफात से मुत्तसिफ और मुज़य्यन फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।